ये दो मुंह नहीं है, एक ही मुंह है इसका, और ये बैंडेड का हाईली वेनम है, लेकिन बहुत ही हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेक्स अवर राहुल। तो आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो गाइस, मैंने कल रात को 3 स्नेक रेस्क्यू किया था अलग अलग जगह से। तो एक स्ट्रिपेड कुकरी है और एक रेड स्नेक और एक बैंडेक है। तो रात को ज़्यादा लेट हो गया था, इसी वजह से रिजर्व में नहीं आया छोड़ने के लिए। तो अभी इसको हम लोग रिजर्व में छोड़ देंगे। हालांकि बैंडेक केट को रात को ही छोड़ना चाहिए, उसका मतलब रात को ज़्यादातर निकलता है। तो फिर भी क्या करूँ गाइस, तो अभी इसको इधर रिलीज कर देंगे। तो गाइस ये देखिए, ये स्ट्रिपेड किलबैक है, अरे सॉरी स्ट्रिपेड कुकरी है, ये माइट नॉन वेनाउंस होता है गाइस। पहले इसको हम लोग इधर आओ, अरे देखिए ये स्ट्रिपेड किलबैक। देखिए गाइस, ये स्ट्रिपेड कुकरी स्नैक है गाइस, किलबैक बोल रहा हूँ। तो गाइस ये भी एस पकड़ का काटने के लिए एस बन जाता है, जब भी खतरा महसूस होता है तो ऐसे ही करता है ये। गाइस देखिए, ये एक नॉन वेनमस स्नेक है गाइस। तेरी साथ सुन ले रही तातो सुना डे वैसे। देखिए ये काटने के लिए कैसे कोशिश करते हैं, देखिए गाइस जहर नहीं होता है, फिर भी काटने के लिए कैसे ट्राई कर रहा है गाइस। देखिए तो इसको यहीं पे रिलीज कर देते हैं गाइस। तो आइए गाइस, और दो सांप है इधर बैग के अंदर, तो अभी इसको हम लोग रिलीज करेंगे, देख लीजिए गाइस। रेड स्नेक को रिलीज करेंगे इधर। तो एक ही बैग था मेरे पास गाइस, तो मैं काम में था इसी वजह से एक के अंदर, इधर है आपका मतलब इधर साइड बैंडेड, हाँ इधर बैंडेड करे थे और इधर रेड स्नेक है। रेड स्नेक तो बिना जहर वाला होता है गाइस, लेकिन बैंडेड करे बहुत जहरीला होता है हाईली वेनमस, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का होता है, इसी वजह से काटता नहीं किसी को। बस ये एक रेड स्नेक है। तो गाइस आप लोग देखिए, गाइस देखिए ये रेड स्नेक। दर्द हो रहा है,
गाइस अभी आखिरी सांप बैंडेड के साथ, ये हाईली वेनमस होता है गाइस, देखिए गाइस देखिए ये बैंडेड क्रेज है, हाईली वेनमस, तो बस हम लोग गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि इसका दो मुंह है, तो इसका कोई दो मुंह नहीं होता है, एक ही मुंह होता है। ये देखिए गाइस, और ये जो होता है ये पूछ होता है गाइस, तो ये पूछ में कुछ भी नहीं रहता, जहर वगैरह या फिर कोई काटा वगैरह, तो लोग हमेशा डरते हैं कि ये बैंडेड केयर, जिसको हम लोग बंगाली में संघुनी बोलते हैं, किसी किसी जगह पे शाखा मोती भी बोलते हैं, तो गाइस ये मुंह नहीं है एक्चुअली, हर सबका जो पूछ होता है ना वो लंबा होता है, तो इसका एकदम शॉर्ट होता है, इसी वजह से मतलब काटा हुआ जैसा रहता है मुंह के जैसा, तो इसी वजह से लोग हमेशा समझते हैं कि ये दो मुंह वाला सांप है, वैसे ये दो मुंह नहीं है, एक ही मुंह है इसका, और ये बैंडेड का हाईली बना उसे, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का होता है गाइस, तो हम लोग इसको इधर ही रिलीज कर देंगे गाइस, ये दिन है इसकी वजह से भाई, देखिए भाई देखिए, ये सांपों को ही खाता है गाइस, तो गाइस ये देखिए ये इधर आ गया, इसको जाने देते, रात होते ही वो निकल जाएगा शायद, या फिर हम लोग अभी इधर है इसी वजह से शांत बैठा हुआ है, ये जब अपना मर्जी होगा तब जाएगा, चलते हैं गाइस।